सुबह सुबेर मिल हाँ ये दुआ दिवरा गौशाल हम जाया चाहे गुल का ना खड़े एक बार उल अपन माथा बताया फिर दुए बहन गई फिर दुए बहन कहाँ छटे कडल काट एक बार उल बच्चा था अपन गारम ली वे तो साफ सूफ कर एक बार तऊपुर नला धुला तो उल गवा सरपंच था बुलाई वे बाद उन महिला मंगल दला अध्यक्ष को फोन कर फिर मैं श्रीमती गोदम्बरी देवी ग्राम सभा हंसूड़ी की अध्यक्ष हूँ और फिर सारे महिलाएं बुलाई। थलीसन थाना क्षेत्र को किसने दिया था सूचना, किसने दी थी? ये मेरे देवर ने दिया चंद्र प्रकाश ने। अच्छा चंद्र प्रकाश जी ने दी थी। और जिस समय आपको नवजात शिशु मिला था ये उस समय वहाँ पे इर्द गिर्द कोई लोग भी थे क्या? नहीं कोई नहीं था, कोई नहीं था। बस मैं अपनी छोटी बच्ची को छोड़ने गई थी फिर मेरे को आवाज आई थी। कहाँ फेंक रखा था उसको? गदेरे में, वहाँ पे थोड़ा कंडाली भी थी बड़ी बड़ी कांचे थी। पौड़ी जिले के श्रीनगर विधानसभा के थलीसैन थाना क्षेत्र के अंतर्गत हसुड़ी गांव के गदेरे के पास से लावारिस स्थिति में एक नवजात शिशु के ग्रामीणों को मिलने का मामला सामने आया है जिसको ग्रामीणों द्वारा झाड़ियों से सुरक्षित निकालकर पुलिस को सूचना दी गई। वहीं ग्रामीणों द्वारा नवजात शिशु को नहलाकर 108 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थलीसैन लाया गया जहां पर स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र सिंह ने बताया कि नवजात की स्थिति ठीक है। वो हसुड़ी गांव से दो महिलाएं और हमारा जो 108 चिकित्सा दल है वो लेके आया था। तो सबसे पहले जब वो आया तो हमने उसका SpO2 और वाइटल्स चेक किए तो सब कंडीशन उसकी ठीक थी और वेट जो था उस बच्चे का अप्रोक्सीमेटली 2.5 किलो का। तो जब वो आया यहाँ पे तो उसकी कंडीशन ठीक थी। बाकी हमने उसको जो नवजात शिशु को टीकाकरण होता है वो सब दे दिया है। उसको जो फीडिंग है उसके लिए बोतल दूध बाकी सारी व्यवस्थाएं हमने कर दी हैं और अभी वो हमारी देख रेख में है। थलीसैन थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा हसुड़ी से थलीसैन थाना को सूचना मिली थी एक नवजात शिशु होने की और उस सूचना के आधार पर थलीसैन थाना से जो है थाने के कर्मचारी 108 को लेकर के उस जगह पर गए और वहां से 108 की मदद से उस नवजात शिशु को लेकर जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थलीसैन आए और थलीसैन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की देखरेख में उस नवजात शिशु का जो है स्वास्थ्य परीक्षण किया गया जहाँ पर कि नवजात शिशु जो है स्वस्थ और तंदुरुस्त मिला। अभी वो डॉक्टरों की निगरानी में थलीसैन स्वास्थ्य केंद्र में है लेकिन मानवता को शर्मसार करने वाली एक कुकृत्य जिसके द्वारा भी किया गया है उसके लिए जो है पूरे क्षेत्र में रोष है और उस रोष के तहत जो है सबकी एक ही आवाज़ है कि इस कुकृत्य के लिए जो है जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो भी इसके दोषी होंगे उनको सजा होनी चाहिए।